गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में 8वें पातशाह श्री गुरु हरिकृष्ण जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाया गया। वहीं बड़ी संख्या में मौजूद सिख धर्म के अनुयायियों ने लंगर का भव्य आयोजन भी किया। बता दें कि हरिकृष्ण सिंह साहब 5 साल की उम्र में ही गुरु की गद्दी पर विराजमान हुए थे और 1664 में दिल्ली में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने बताया, धर्म में हमारे सिख धर्म में 10 गुरु हुए, उनमें से आज 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश उत्सव यानी कि जन्मदिन है, आज यहाँ पे वही मनाया जा रहा है। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के बारे में कुछ कहना कि मात्र 8 साल दुनिया में है और 5 साल की उम्र में ही गुरु गद्दी पर बैठ गए, ये बहुत बड़ी बात है। जब 5 साल 8 साल की उम्र में बच्चे खेलना बोलना नहीं जानते हैं, उस समय कोई गुरु हो और लोगों को तारने का काम करे। अगर आप लोग कोई दिल्ली गया होगा तो वो गुरुद्वारा बंगला साहेब कनाट प्लेस के बगल में, आप वहाँ जाके जब देखिए उनकी याद में कितनी संगत वहाँ रोज जुड़ती है। ये गुरु हरकृष्ण साहब जी के नाम पे ही वो स्थान है उनका, 8 साल और दिल्ली के अंदर ही गुरु साहब दुनिया से गए कि उनके जो अंतिम जगह जहाँ हो गए वो दिल्ली बाला साहब गुरुद्वारा भी बहुत शानदार बना हुआ है। आप लोग से यही है कि आज का गुरु गोविंद सिंह महाराज ने गुरु हरकृष्ण साहब जी के ऊपर एक लाइन लिखी है कि गुरु हरकृष्ण ते आई है जिस जिस सब दुख जाए, यानी कि इस गुरु का 8वें गुरु के नाम मात्र का स्मरण करने से दुनिया के सारे दुख दो